नमस्कार दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो एमपीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम देने वाले हैं, अगर हम अधिकांश विद्यार्थियों की बात करें तो अब उनके मन में एक डाउट आ रहा है कि यार अब एग्जाम को लेकर बहुत कम समय बचा हुआ है और अब हम क्या करें। बहुत सारे स्टूडेंट तो इसी बात को लेकर बैठे हुए हैं कि काश सर ने जो बताया था कि पहले से तैयारी कर लेते तो आज इस दौर से हमें गुजरना नहीं पड़ता। और आप सभी जानते हैं, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा एमपीपीएससी द्वारा एक सूचना जारी की गई और सूचना में कहा गया कि आपका जो एग्जाम है एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2021 का एग्जाम 19 जून को ही होना है। बहुत सारे स्टूडेंट अभी तक इस बात में लगे हुए थे कि सर 19 जून को एग्जाम होगा या नहीं, हम क्या करें, हमारी तैयारी नहीं हो पा रही, हम 100% नहीं दे पा रहे हैं। और मैंने उस समय भी आपसे कहा था कि अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आप ऐसे प्रतिष्ठित एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहां पर सिलेक्शन लेना अपने आप में एक बहुत मुश्किल बात होती है, तो आप कहां इन बातों में उलझे हो कि यार एग्जाम होगा या नहीं। आपके हाथ में ना ही तो रिजल्ट होता है और ना ही आपके हाथ में पेपर लेना होता है। जब दोनों चीजें आपके हाथ में थी ही नहीं, तो मैंने पहले भी कहा था कि आपको इन बातों में उलझना ही नहीं है। मैंने पहले ही कहा था कि ये दोनों चीजें आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में केवल परिश्रम करना है, कर्म करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और मैं बहुत पहले से विद्यार्थियों से कहता आया हूं कि अगर आप इस बात में उलझे कि यार नोटिफिकेशन कब आएगा, पेपर कब होगा, रिजल्ट कब होगा, तो यकीन मानिए जो स्टूडेंट तैयारी में संलग्न है, जो तैयारी कर रहे हैं, वह पेपर भी निकालेंगे, नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, रिजल्ट में अंतिम रूप से उनका नाम भी होगा और वे सिलेक्शन लेकर अपने कार्य में संलग्न रहेंगे। और आप हमेशा इस तरीके से बात करते रहेंगे कि नोटिफिकेशन कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, पेपर कब होगा, और ये समस्या आपकी आज से नहीं, कहीं पहले से है और आगे भी रहेगी। अभी 19 जून को एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद में भी आपके साथ ये समस्या रहेगी। सर अब रिजल्ट कब आएगा, अब मेंस की तैयारी में मन नहीं लग रहा, मेरे तो अंक कम है। तो हम तो 4 महीने पहले से कहते आए हैं कि भाई तैयारी कर लो, तैयारी नहीं करोगे तो आपकी समस्या है। मैं कई पहले से स्ट्रेटजी की बात करते आया हूँ कि ऐसी स्ट्रेटजी अपना लीजिए, कम कम पढ़ते जाइए, धीरे धीरे पढ़ने के मन करेगा। बहुत सारी चीजें मैं यहाँ पर बतलाते आया हूँ, लेकिन आपका क्या भ्रम था कि मैं 15 दिन में तैयारी कर लूंगा, 15 दिन में प्रिलिम्स निकाल दूंगा। इतना आसान नहीं है मेरे दोस्त कि आप 15 दिन में प्रीलिम्स निकाल दोगे। अब आप जानते हैं बहुत कम समय आपके पास बचा हुआ है और तैयारी जो करनी होती है ना, तैयारी बहुत पहले से करनी होती है। आपको क्या लगता है कि अर्जुन जब युद्ध में उतरे होंगे तो क्या अर्जुन ने तीर या धनुष चलाना केवल युद्ध के 15 दिन पहले सीखा होगा? क्या 15 दिन पहले सीखकर उन्होंने विजय हासिल की होगी? नहीं ना, उनकी जो तैयारी थी वे बचपन से तैयारी करते आए थे, बचपन से ही उन्होंने अपना जो टारगेट था उसको नहीं छोड़ा था, उन्होंने जो अपनी तैयारी थी उसको नहीं छोड़ा था। और आप क्या करते हैं, आप उस समय अपने औजारों को काम करना शुरू करते हैं जब युद्ध का समय आ जाता है, जबकि औजार और तैयारी पहले से लेनी चाहिए। युद्ध के समय तो केवल हमें रिवाइज करना होता है, केवल हमें चीजों को देखना होता है और उस समय आपके पास समय बचता नहीं है। भारत का एक महान व्यक्ति आचार्य कौटिल्य की अगर हम बात करें, चाणक्य की बात करें, तो जब चाणक्य किसी युद्ध को करते थे, किसी युद्ध को लड़ते थे, तो युद्ध लड़ने के बहुत पहले से तैयारी करते थे। क्या चाणक्य ने वैसे ही मगध पर आक्रमण कर उसे जीत लिया होगा? नहीं ना, ऐसे प्रतिष्ठित और ऐसे इतने बड़े राज्य पर आक्रमण करना, जो उस समय उन महाजनपदों में सबसे बड़ा महाजनपद था, जिस पर विजय हासिल करना तो दूर, उसके बारे में सोचना ही अपने आप में एक कठिन कार्य था, एक संकट था। आसपास के राज्यों को जिसने जीता था, आसपास के जनपदों को जिस महाजनपद ने जीता था, उस महाजनपद के बारे में एक ऐसा शिक्षक, एक ऐसा आचार्य सोचता है जिसके पास में अपनी खुद की सेना नहीं थी, जिसके पास में यहां पर धन नहीं था कि वे अपनी सेना को जुटा सके, जिसके पास में ऐसा कोई संसाधन नहीं था जिसपे कि वे भारत के सबसे बड़े महाजनपद पर आक्रमण कर सके। लेकिन एक संकल्प और एक परिश्रम और एक मेहनत या तैयारी की बात करें, इसके बलबूते पर भारत के उस सबसे बड़े महाजनपद पर आक्रमण कर उसे विजय हासिल करना,
और केवल महाजनपद पर आक्रमण कर विजय हासिल करने तक ही सीमित नहीं, उस विजय हासिल करने के बाद भी लगातार प्रयासरत रहना। ये थी चाणक्य की एक खासियत। आप क्या करते, आपने ठीक है सिलेक्शन हो गए, सिलेक्शन लेने के बाद बस अब जीवन में चिल है, अब कुछ नहीं करना। नहीं, चाणक्य का कहना था कि जब युद्ध जीता जाता है तो युद्ध जीतने के बाद उस युद्ध की खुशी ना मनाकर अगले युद्ध की तैयारी में लग जाना चाहिए, यही असली चीज होती है। ठीक है, और आप क्या करते हैं, आप तैयारी व्यारी करते नहीं, आप बस दिन में सपने देखते हैं, सपने टूटते रहते हैं। चीजों को हकीकत में बनाना सीखिए, उस पर अच्छे से कार्य करिए। अब आपके मन में यही डाउट आ रहा है कि काश पहले से पढ़ लेता तो आज मैं सिलेक्शन ले लेता, अब तो प्रीलिम्स में इतना कम समय बचा हुआ है, अब तो स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, तनाव बढ़ता जा रहा है। तो होगा ये तो मैं पहले से बोलता आया हूं कि थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो बढ़ेगा क्योंकि आपने तैयारी शुरू से की नहीं है। उस समय कोई व्यक्ति पढ़ रहा होगा जब आप किसी दोस्त की शादी में गए थे, जब आप किसी फंक्शन में गए थे, जब आप कहीं पर कह सकते हैं मौज मस्ती कर रहे थे, उस समय कोई व्यक्ति पढ़ रहा होगा। तो मेरे भाई, जब वो पढ़ रहा था तो स्वाभाविक सी बात थी कि वो सिलेक्शन के लिए ज्यादा काबिल है, उसने अपने खुद पर काम किया, अपनी अयोग्यताओं पर काम किया, अपने को लायक बनाया, काबिल बनाया, तभी तो वो वहां पर लगा हुआ है। आसान थोड़ना है कि आप सभी, क्या उसके मन में नहीं आया होगा कि यार मेरे रिश्तेदारों में शादी है, मेरे दोस्त की शादी है, मुझे वहां पर जाना है। सबके मन में आता है, सबके साथ चीजें होती है, लेकिन डिपेंड ये करता है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, आप किन चीजों को प्राथमिकता देते हैं, आप अपना भविष्य कहां पर देखते हैं। ठीक है, या तो आप उस समय पढ़ाई कर लेते, या अब इस बचे हुए समय में, अब तो क्या कहा जा सकता, अब क्या कहें कि क्या करें क्या नहीं करें। देखिए, मैं जब पहले कहता था कि आपको अगर एमपीपीएससी प्रीलिम्स निकालना है तो आपको डिसिप्लिन में रहना होगा, तो लोग कहते थे अरे यार ये क्या आदमी है, बार बार डिसिप्लिन डिसिप्लिन की बात करता रहता है, अनुशासन अनुशासन की बात करता रहता है। उस समय मैं कहता था कि मेरा कर्तव्य है आपको इस बारे में बताना कि आपको क्या क्या चीजें करनी है इस एग्जाम को निकालने के लिए, तो मेरी इस बात को नकार दिया जाता था, अरे जीवन अच्छा तो चल रहा है, क्यों डिसिप्लिन में रहे। मैं कहता था आपको रेगुलर रहना पड़ेगा। मैं हमेशा कहता आया हूं कि सफलता का अगर आधार आपको चाहिए तो वह आधार होता है निरंतरता, कंटिन्यूटी, रेगुलरिटी। अगर आप रेगुलर नहीं है तो यकीन मानिए कि आप सिलेक्शन से बहुत दूर हैं। एक दिन में 15 घंटे पढ़ने से बेहतर है कि आप रेगुलर 8 घंटे पढ़ लीजिए। माता चला आज 15 घंटे पढ़ लिए, 4 दिन का गैप हो गया, नहीं, 8 घंटे रेगुलर पढ़ लिए। तो मैं कहता था कि डिसिप्लिन में रहना, अनुशासन में रहना। सर नहीं, हमसे ये नहीं हो पाएगा। मैंने कहा रेगुलर रहना है। नहीं सर, हमसे ये भी नहीं हो पाएगा। उस समय मेरी चीजें इतनी बकवास लग रही थी कि अरे सर ये क्या बातें कर रहे हो आप, इसमें कुछ मजा ही नहीं आ रहा है, जीवन बिल्कुल नीरस होता जा रहा है, कोई रस ही नहीं बचा है। तो आपको मेरा डिसिप्लिन जो कहता था वो आपको नीरस लग रहा था, रेगुलर नीरस लग रहा था। अब समय कम बचा है, अब आप सोच रहे हो कि सर कोई ऐसा रामबाण उपाय बता दीजिए कि इन 15 से 20 दिनों में मैं अपने आपको खुद को झोंक दूं और अपना प्रीलिम्स निकाल दूं। मुझे पता है कि आपके मन में अभी क्या थॉट चल रहा है कि सर कोई ऐसी टेस्ट सीरीज बता दीजिए कि जिसे मैं कंप्लीट करूं और वहीं से 80-90 क्वेश्चन बन जाए। सर कोई ऐसा रामबाण उपाय बता दीजिए कि मैं केवल इतना कम पढ़ूं और मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो अगर आप इस तरीके से चीजें सोच रहे हैं तो यकीन मानिए कि आप खुद फिर से भ्रम में डाल रहे हैं। लेकिन हाँ, अब आपके सामने बचे हैं 20 दिन, 20 डेज भी कहां बचे हुए हैं यार, लगभग 18 दिन के आसपास बचे हुए हैं आपके पास। इन 18 दिन में से 2-3 दिन तो वैसे ही निकल जाएंगे, बचते हैं कितने, 15 दिन। तब इन 15 दिनों में क्या करना है क्या नहीं करना है अगले वीडियो में बात करेंगे और अच्छे से समझेंगे कि किस तरीके से इन 15 दिन को हमें अच्छे से यूटिलाइज करना है। मेरी बातें अगर आपको बुरी लग रही हो, कड़वी लग रही हो, तो मैं माफी चाहता हूं। लेकिन देखिए, मुझे इसलिए भी यहां पर कहना पड़ता है क्योंकि मैं आज से नहीं, बहुत पहले से कहता आया हूं। और अगर अब वही स्टूडेंट ये बात कहते कि सर हमने उस समय तैयारी नहीं की, तो मेरी इसमें गलती नहीं है। मेरा काम पढ़ाना था, मेरा काम आपको बताना था, मार्गदर्शन कराना था, वो मैंने किया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अब गलती आपकी रही कि आपने तैयारी पर ध्यान नहीं दिया। अगले वीडियो में हम ये बात करेंगे कि इन 15 दिनों में क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्या छोड़ें, क्या नहीं छोड़ें।
किन चीजों पर ज्यादा ध्यान दे, किन पर कम ध्यान दे। सिलेक्शन लेने के लिए कुछ बात करेंगे कि एक तुक्के की मेथड होती है, उस तुक्के को कैसे लगाया जाता है। तुक्का लगाना भी एक विधि है, ऐसा नहीं कि आप तुक्का ऐसे ही लगा दिए कि ए बी सी, नहीं। कुछ चीजें तुक्के में भी काम करती है, जहां से आप लगभग 4 से 5 क्वेश्चन यकीन मानिए कि सही कर कर ही बैठेंगे, तो उस पर भी हम बात करेंगे। बहुत सारी चीजें हैं प्रीलिम्स को लेकर, इन 15 दिनों में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तनाव मत लीजिए। ये जो समय है, इस समय में बस इतना ध्यान दीजिए कि इस समय को हम कैसे उपयोग में ला सके, इस कम से कम समय में हमारी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा सके। धन्यवाद।